तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे वीवो X80 में लैंग्वेज कैसे चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सेटिंग नहीं पा रहे लैंग्वेज का और सेटिंग पे पाने के बाद आप लैंग्वेज चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए आपको वीडियो को शुरू करके फटाफट बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कर देना ताकि जो मैं मोबाइल से नई नई वीडियो लेकर आता हूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जिस देश में आप रहते हैं, जिस भाषा में आप चेंज करना चाहते हैं वहाँ पे आपको यहाँ पर सभी भाषाएं दे दिया गया है। आपको यहाँ पर जो भाषाएं चेंज करना है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो कैसे चेंज करेंगे, चलिए आपको शुरू करके फटाफट बता देते हैं। तो फिर आपको क्या करना, आपको यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिला होगा, यहाँ पर आपको सेटिंग पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करेंगे फिर आपके पास इंटरफेस ऐसा दिखाई देगा। तो फिर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। जैसे आप यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर सिस्टम का ऑप्शन दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पर सिस्टम पर क्लिक करना है। जैसे सिस्टम पर क्लिक करें फिर आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए मिलेगा। फिर आपको क्या करना, आपको यहाँ पर लैंग्वेज एंड इनपुट का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करें फिर आपके पास इंटरफेस ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो कि आपका पहला ऑप्शन मिलेगा लैंग्वेज का। फिर आपको लैंग्वेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप लैंग्वेज पर क्लिक करें फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट करके ले आया हूँ। अगर आपको और भी सिलेक्ट करना है आपको प्लस के निशान पर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि और भी भाषा आपको यहाँ पर लेना है तो आपको यहाँ पर टिक लगा देना है जो कि आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर दो तरीके से भाषाएँ चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ आपको। पहला तरीका से आप कैसे चेंज करेंगे, फिर आपको यहाँ पर 3 डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर रिमूव का ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ जैसे रिमूव का ऑप्शन मिलेगा फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर डिलीट कर देना है। जैसे यहाँ पर हमारा इंग्लिश में हुआ तो यहाँ पर हम दोनों को डिलीट कर देते हैं। जैसे हम यहाँ पर दोनों को डिलीट करेंगे फिर आपके पास जो कि आपका यहाँ पर हिंदी में हो जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा तरीका, मैं और भी आसान तरीका है आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे प्लस पर ऑप्शन पर क्लिक करें फिर आपको यहाँ पर जो कि मैं यहाँ पर इंग्लिश लाना चाहता हूँ तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर इंग्लिश ढूंढ लेता हूँ जहाँ पर मेरा इंग्लिश है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इंग्लिश ले आना है। जैसे मैं इंग्लिश को सिलेक्ट कर लिया हूँ तो फिर जैसे हमें अब इसको इंग्लिश में करना है तो फिर आपको यहाँ पर क्या करना, इंग्लिश पे यहाँ पर टाइप करके रखना है। जब आपको यहाँ पर स्क्रॉल करके ऊपर ले जाना है, जैसे स्क्रॉल करके ऊपर ले जाएंगे फिर आप यहाँ पर जो कि यहाँ से भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं इस तरह से। तो फिर जैसे ऊपर ले जाएंगे आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। फिर इस तरह से जो कि आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। फिर उम्मीद है हमारी वीडियो पसंद है, लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।